वो आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा कि हैंडल्स को कैसे बनाना होता है। अब देखो, ये ओवर द पीरियड मैंने चीज़ समझी है कि बहुत से स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं कि हैंडल्स नहीं बनते उनसे। जब आप BFA के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो एज एन आर्टिस्ट, तो आप हैंडल जब बनाते हो, हैंडल कैसे बनते हैं, ठीक है? हैंडल बेसिकली 3D होता है। तो हैंडल जब बनाते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, हैंडल बहुत ज़्यादा अजीब से हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े से बन जाते हैं, और बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ में गलती करते हैं। तो इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ है ठीक है, तो इसको अवॉइड ना करें। तो बेसिकली ये जो वीडियो है मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, बेसिकली मेरी क्लास का ही वीडियो है, ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं उसका ये वीडियो है, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि हैंडल्स को कैसे बनाते हैं, हैंडल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, थोड़ी सी लंबी वीडियो है लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और शेयर जरूर करें अपने सभी आर्टिस्ट दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि इस तरह की जो भी मैं चैप्टर्स वगैरह लेसन वगैरह शेयर करता हूँ वो आपके पास तुरंत मिले और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, ठीक है? और आपके दोस्तों को भी सीखने को मिले, उसके लिए आप चैनल को, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। लाइंस बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रेक होती है ना, वो नहीं होना चाहिए। ये वाला हैंडल गलत है, इधर वाला तो थोड़े से बड़े बना सकते हो उनको, बहुत छोटे छोटे ना, बहुत ये इसका ये अलग है ना, अलग अलग हो रहा है। ये वाला तो ठीक है, सर कौन सा है एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये वाला सर इसमें क्या कमी है? बाकी में दिक्कत है ना, अभी वही देख रहे हैं। सर आप जो अभी दिए हैं वो वाला देख चुके हैं, सही है कि गलत? ये वाला गलत है ना, इसके लिए लाइंस, पहले तो सिंगल लाइंस में बना सकते हो उसको ऐसे करके। ये एंगल थोड़ा सही रखा करो बराबर पे, ये चीज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बस सबका। इसमें भी बस ये एक ऐसा सिलेंडर सा जा रहा है, एक एक सिलेंडर शेप ऐसे जा रही इस तरीके से। फिर ये यहाँ से एंगल जा रहा है, इस तरीके से बाद में इसमें कर्व वगैरह ऐसे करके जा रही है, बाद में कर्व ऐड करते हैं, फिर ये ऐसे कर्व जो जा रहा है ऐसे करके बाद में ऐड करना है। इसमें भी ये जो कार्रवाई भी बाद में ऐड होगा, पहले कोशिश रहती है स्ट्रेट्स में बनाने की, फिर बाद में कर्व बना सकते हैं उसमें। यहाँ पे डबल लाइन इधर की साइड, इधर शेडो है, इसमें नीचे की तरफ शेडो जा रही है, ये वाला हैंडल कुछ इस तरीके से है। सीधी सीधी लाइन में करो पहले तुम ऐसे, फिर इसको डबल लाइन में कर दो, फिर इसमें कर्व ऐड करो बाद, उसके बाद यहाँ पे सर्कल से ऐड करो, फिर डबल लाइन जो आ रही है इसमें, ये रही,
है ना, पहले सिंगल लाइन से फिर डबल लाइन से उसके बाद फिर इसमें कर्व। अगर डायरेक्ट कर्व बनाओगे ना तो कई बार गलत बन जाता है वो कर्व, कर्व गलत हो गया ना। ये वाला तो इजी है, इसको भी लाइंस में तोड़ के कर सकते हो ऐसे, ऐसे करके एक सिंगल लाइन फिर डबल लाइन कर दो उसको। फिर तीन लाइन ऐड करो उसमें, तीसरी लाइन हैंडल की ये वाली यहाँ पे आके खत्म हो रही है जो। क्योंकि इसमें यहाँ से जाके चेंज होता है थोड़ा सा, इधर शेडो आती है, कर्व ज्यादा है ना इसके अंदर, यहाँ पे भी कर्व है। कोई भी अगर कर्व बना रहे हो जैसे कि एक कर्व है, फिर यहाँ पे अगर स्ट्रेट बनाओगे ऐसे करके, ऐसे करके, तो फिर इसके ऊपर फिर कर्व बनाना इजी होता है, ठीक है, सही तरीके से। डायरेक्ट कर्व बनाओगे तो हमेशा गलत बनेगा वो। है ना, अब कुछ इस तरीके से है इसका, ये भी ऐसे करके नाप सकते हो बीच में लाइन देके, ऐसे यहाँ पे एक ऐसा शेप बना सकते हो इस तरीके से, एकदम सीधा सीधा ऐसे करके। फिर इसमें डबल लाइंस है ना, ये ऐड कर सकते हो फिर ऐसे करके सिंपल सी। बाद में इसमें कुछ चेंजेस हैं, जैसे यहाँ पे एक राउंड ऐड हो रहा है इधर की साइड में एक राउंड ऐड हो रहा है, तो एक सिलेंडर जैसी शेप बन रही है इसकी ऐसी। फिर यहाँ से कर्व ऐड हो रहा है, कर्व भी ऐसे स्ट्रेट्स में करेंगे इसको, सर ये ट्राइपॉड ग्रिड में बना सकते हैं? बना लो, लेकिन सर आप और हैंड ग्रिप में कहते हैं, इस तरीके से करो उसको। यहाँ पे थोड़ा सा कट आ रहा है, ये कट्स होते हैं ऐसे लाइन से ही आते हैं, स्ट्रेट लाइन से सारे कट्स ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा उठा हुआ है ना, ये ऐसे करके इसको भी ऐसे करके कर सकते हो। फिर यहाँ पे इसमें कर्व ऐड करो तभी एकदम परफेक्ट बनेगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे भी इसको ऐसे हल्का सा कर्व करो ऐड। क्या टेक्निक यूज करिए इसमें, पहले तो ऐसे सिलेंडर बनाया था ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी एक कर्व ऐड किया था ऐसे करके, ऐसे करके, फिर इसको हल्का सा ऐसे उठाया ऊपर से। नहीं तो जनरली क्या कर रहे हो, ऐसे करके बनाते हो तो गलत बनता है। पहले इस साइडों की कर्व बनाई, फिर इसको जॉइंट किया हल्का सा, तब एकदम एग्जैक्ट बन रही है बराबर चारों तरफ से। इसके हैंडल में क्या चीज है, वही सेम एक सिंगल लाइन से बनाओगे पहले तो, ठीक है, ऐसे करके
इसको डबल लाइन करोगे। बस इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो डबल लाइन थी ये इधर ऐसे जा रही है, ये चीज पीछे वाली लाइन, फिर इसमें कर्व ऐड हो रहे हैं। और यहां पे आके ये छोटी हो गई, यहां पे एक डबल लाइन है, इधर डार्क हो रहा थोड़ा सा।